क्या हो गया तुम्हें रीब? कैसी बातें कर रहे हो? तुम अगर अपने पेरेंट्स के बगैर आओगे तो मेरे बाबा कभी नहीं मानेंगे रिश्ते के लिए। हाँ तुम बताओ क्या करूं, क्या सलूशन है तुम्हारे पास इस प्रॉब्लम का? माहिर, जब से मैं तुम्हारी एंगेजमेंट के बारे में सुना, मैं एक सेकंड भी सुकून से नहीं बैठा हूं। तो मैं कौन से सुकून में हूँ? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने कोई मतलब नहीं समझना यार। तुम अगर साथ के साथ खुश हो तो मैं पीछे हट जाता हूं। मैं खुश नहीं हूं, इनकार कर दिया है मैंने। कितनी अजीब बात है, तुम दोनों दूसरे से शादी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स ने बात पक्की कर दी है। हमारे जैसे घरानों में ऐसे ही होता है, माँ बाप खुद रिश्ते तय कर देते हैं। और तुम्हारे मॉम डैड भी तो चाहते हैं ना कि तुम्हारी शादी उनकी मर्जी से हो। लेकिन मैं करूंगा तो नहीं ना, मैं अपनी जिंदगी को लेकर और दिल को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और अगर तुम्हारे मॉम डैड नहीं माने तो? नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। इतनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह दी तुमने। तुम्हें अंदाजा भी है क्या कह रहे हो? क्यों, मोहब्बत नहीं करती मुझसे? अपनी खुशी के लिए मैं अपने माँ बाप को दुख नहीं दे सकती। वो कौन सा हमारी खुशी का ख्याल कर रहे हैं? माँ बाप से ज्यादा औलाद की खुशियों के बारे में कोई नहीं सोचता। मैं नहीं मानता इस बकवास को। उनको सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है और ये फैमिली बैकग्राउंड के पीछे रिश्ते कर रहे हैं। लेकिन एक बात मेरी तुम कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं। लेकिन अगर मुझे मोहब्बत और इज्जत में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो मैं इज्जत का ही करूंगी। क्योंकि मुझे दागदार मोहब्बत नहीं चाहिए। लेकिन माही, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था।